हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट आर्टिकल्स। क्या पढ़ेंगे हम? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स किसका पार्ट होता है? डिटरमाइनर्स का। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? जिससे हमें पता चले कि किसी भी कोई भी जो नाउन है वो क्या है, वो पर्टिकुलर है, डेफिनेट है, मतलब उसकी कोई कोई निश्चित है, अनिश्चित है, या फिर कोई पर्टिकुलर है, या फिर जनरली हर चीज़ के लिए होती है। तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, इस तरीके से नाउन के बारे में बताते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स भी डिटरमाइनर्स का ही पार्ट है। अब हमारे क्या होते हैं, दो तरीके से होते हैं आर्टिकल्स, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। कौन से होंगे? इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, जिसका हमें पता नहीं है, और डेफिनेट मतलब जो प्रॉपर है, हमें निश्चित है, ये है ही है, उसमें क्या आ जाता है हमारा डेफिनेट। अब इनडेफिनेट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? टू, एन एंड ए। क्या होता है? ए एन, और एक दा क्या होता है, वो होता है डेफिनेट आर्टिकल। पहले हम पढ़ेंगे ए एंड एन। एन क्या होता है? वोवल साउंड। मैं यहाँ पे वोवल साउंड के बारे में बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं कर रही कि वो कॉन्सोनेंट है या वोवल है। यहाँ पे साउंड के बारे में बात हो रही है कि जब किसी वर्ड में साउंड वोवल की आ रही है। वोवल्स क्या होते हैं? ए आई ओ यू, ये क्या होते हैं हमारे पाँचों क्या होते हैं? वोवल्स। अगर इन किसी भी वर्ड में इसकी साउंड आ रही है तो वो क्या हो जाएगी? वोवल साउंड। और कॉन्सोनेंट जितने भी बाकी बचे हुए अल्फ़ाबेट्स हैं वो किस में आ जाएंगे? कॉन्सोनेंट में। दा क्या होता है? कोई भी स्पेसिफिक थिंग या पैटर्न, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हमें पर्टिकुलरली पता चल रहा है। जैसे डेफिनेट है तो ऑब्वियसली अगर ताजमहल के बारे में बात करूँगी, ताजमहल है ही, तो ये क्या है? डेफिनेट है। ठीक है, या फिर मैं किसी भी बिल्डिंग के बारे में बात कर रही हूँ, तब हमारा क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेट में क्या है कि वो एक पर्टिकुलर एक पैटर्न है। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ ए। ए कहाँ पे यूज़ होता है? एक तो देखो कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ ही कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, जैसे बॉय है ना, गर्ल, फ्रॉग, ये सब कुछ क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट, और इसमें साउंड भी उसी की आ रही है। अब आता है वोवल विद कॉन्सोनेंट साउंड। वोवल तो है वोवल, बट उसकी साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट। जैसे वन, वन में फर्स्ट वर्ड कौन सा आ रहा है? ओ। ओ क्या होता है? वोवल। तो वोवल तो है बट साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट। व, व आ रहा है, व किस में आता है? वी किस में आता है? कॉन्सोनेंट में। तो साउंड किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की। वन, सेम वन है, इसीलिए यूरोपियन। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखो, यूरोपियन, यूरोपियन में कैसे होगा? यू आ रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम यू तो वोवल में आता है, बट यहाँ पर हम यू को इस तरीके से लिखते हैं, वाई ओ यू। अब वाई किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से, इसीलिए क्या हो जाएगा? यूरोपियन, यूनिवर्स की। इसके आगे क्या है जहाँ पे यू की साउंड आ रही है? इनके वर्ड्स के आगे वोवल तो है लेकिन साउंड किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की। तो हम और यू हम इस तरीके से लिखते हैं, वाई ओ यू, इसलिए हमने क्या लगा दिया? ए। अब आता है हमारा एन। क्या आएगा? एन, उसमें आता है हमारा वोवल्स विद वोवल साउंड। वोवल है और वोवल की ही साउंड है। ऑक्स, अम्ब्रेला, इंकपॉट, एलिफेंट, ये सब कुछ क्या है हमारे? वोवल है और वोवल की ही साउंड आ रही है। अब आता है कॉन्सोनेंट। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा वोवल है कॉन्सोनेंट की साउंड, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और वोवल की साउंड। जैसे एम पी, एम ए से आ रहा है, एम किस में आ रहा है? ए से। तो एन एम पी, कोई भी इस तरीके से एक्रोनेम है आपको क्या लगा देना है? एम पी, एस यू, एम बी बी एस, एल एल बी, इसमें क्या लग जाएगा आपका? एन। कोई भी डिग्री हो, बी कॉम, कुछ भी हो, आपको क्या लगा देना है? एन। अब आता है आर, ऑनेस्ट, ये सब कुछ इनके आगे क्या लग जाएगा? आ। आर में कैसे हम बोलते हैं? आ। तो अ किसकी साउंड है? वोवल की। तो वोवल के आगे क्या लगता है? एन। अब आते हैं हमारे कुछ और भी यूजेज हैं ए और एन के। जैसे हमारा पहला एक यूज़ है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब जैसे बाइक, ठीक है, इसको आप काउंट कर सकते हो। एप्पल को आप काउंट कर सकते हो, कर सकते हो ना, एप्पल को, बाइक को, बुक्स को, जिन भी चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे क्या है? सिंगुलर मतलब एक के बारे में बात कर रही हूँ। बुक्स नहीं बुक, एप्पल्स नहीं एप्पल, ऑरेंज मतलब एस नहीं लगना वहाँ पे, वहाँ पे क्या है? एस नहीं लगना। गर्ल, बॉय, ये सब कुछ क्या है? अगर मैं गर्ल्स बोलती हूँ, बॉयज़ बोलती हूँ, तो उनके आगे मैं ए और एन नहीं लगाऊंगी। जहाँ पे भी प्लूरल हो जाता है, क्या हो जाता है? प्लूरल, वहाँ चाहे वो काउंटेबल है नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे भी प्लूरल हो गया, ठीक है, वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ना तो ए लगता है, ना एन लगता, ना ही दा लगता। ऐसे ही अगर कहीं पे अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल मतलब जैसे कि ऑयल, ऑयल को आप काउंट नहीं कर सकते ना कि एक ऑयल है, दो ऑयल है, नहीं, ठीक है। अब चावल, चावल का आप एक एक दाना तो काउंट कर नहीं सकते। बाल, इनको आप काउंट तो कर नहीं सकते, तो इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है, बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो बाइक, एप्पल, इनके आगे क्या है? कुछ भी लगाओ, ए और एन जो भी लगेगा यहाँ से देख के, ठीक है, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि इसके आगे ए लगना है या फिर एन लगना है या फिर कोई आर्टिकल नहीं लगना। अब आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सबको पता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स जहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे हमारे इमोशंस निकल के आते हैं।
वट अ टॉल बिल्डिंग, तो यहाँ पे क्या है एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे ए, जहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स लग जाएगा वहाँ पे क्या लग जाएगा ए या फिर एन। अच्छा ज़रूरी नहीं है ए लगे, एन भी लग सकता है, वो तो इसके आगे वाले वर्ड से पता चलेगा आपको, ठीक है, कभी आप ए ही लगा दो हर जगह। अब एक क्या आता है कॉम्प्लीमेंट, अगर किसी के भी आगे इज एम आर वॉज वर आ रहा है नाउन के साथ तो क्या आ जाएगा, जैसे आप लोग बोलते हैं ना आई एम ए गर्ल, आई एम ए बॉय, राम इज ए डॉक्टर, हिज फादर वॉज वर्किंग इन ए हॉस्पिटल, ठीक है, इस तरीके से क्या है आप क्या लगा दोगे, हिज फादर वॉज ए टीचर, तो यहाँ पे क्या है वॉज के साथ इसके साथ आपने क्या लगाया है ए, क्योंकि नाउन है और नाउन के साथ क्या है कॉम्प्लीमेंट, साथ में क्या लग रहा है नाउन के साथ इज एम आर वॉज वर, जहाँ पे भी ऐसे होगा तो आप क्या लगा दोगे इज ए और एन में से कुछ भी आप लगा सकते हो, जैसे कि हिज फादर वॉज डैश ऑनेस्ट मैन, तो इसमें आप क्या लगा दोगे एन, ऑनेस्ट आ रहा है ऑनेस्ट हमने अभी पढ़ा था एन लगता है, तो हिज फादर वॉज एन ऑनेस्ट मैन, इस तरीके से आपने देखा। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट आता है फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि हम जब पर के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे कि एक किलो दो किलो कि चावल 50 रुपये किलो है, तो मतलब एक किलो कितने के आएंगे 50 के, या तेल हमारा 20 रुपये पर लीटर है, या कार हमारी इतनी चल रही है, ठीक है ना, एक घंटे में पर आर में 40 किलोमीटर चल रही है, इस तरीके से हम कुछ भी देखेंगे जहाँ पे पर की बात होती है, जैसे राइस कॉस्ट 40 रुपीज़ एक किलो, एक किलो का मतलब एक किलो में कितने आते हैं हमारे 40 रुपये के आते हैं, तो यहाँ पे पर की बारे में बात हो रही है कि मतलब पर मतलब एक, एक के बारे में बात हो रही है, तो हमारा क्या आ जाएगा ए, हॉर्स कैन अर्न 50 किलोमीटर, अर्न नहीं है सॉरी रन, यहाँ पे क्या आ जाएगा हॉर्स कैन रन 50 किलोमीटर एन आर, तो एक घंटे में कितना चल रहा है 50 किलोमीटर। यूजेज ऑफ द, अच्छा इसमें और भी हैं लेकिन अभी आपको इतने ही करने हैं, उसके बाद आता है यूजेज ऑफ द, द में भी बहुत सारे हैं लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ थोड़े से ही करा रही हूँ। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री सबको पता है ना, जैसे कि गुड का क्या हो जाता है गुड बेटर बेस्ट, इस तरीके से डिग्रीज होती हैं, तो जैसे शाम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, इस तरीके से, तो मोस्ट आ गया, ठीक है ना, मोर आता, यहाँ पे हम किसके बात कर रहे हैं सुपरलेटिव, सुपरलेटिव के साथ हमेशा क्या लगेगा द, मोस्ट द बेस्ट द प्रिटीएस्ट, इस तरीके से जहाँ पे भी हमारा इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी वहाँ पे हम क्या लगाते हैं द, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम जैसे एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, एक होता है हाई हायर हाईएस्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा हाईएस्ट, हाईएस्ट है तो उसके साथ क्या आ जाएगा द, विथ कंपेरेटिव डिग्री, अब अगर आप किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हो तो उसमें क्या आ जाएगा द, द सूनर द बेटर, जल्दी और अच्छा, द सूनर द बेटर, द हायर यू गो द कूलर इट इज, जितनी आप ऊपर जाओगे उतना ही ठंडा होगा, तो क्या है कंपेरेटिव, जहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है वहाँ पे क्या लग जाएगा द, इनहैबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, जैसे कि फ्रांस में रहने वाले फ्रेंच, जहाँ के भी लोग हैं उनके आगे चाइनीज, ठीक है, और इस तरीके से जो भी लोग होते हैं उनके आगे आप क्या इंडियन, इनके आगे आप क्या लगा देते हो द। अच्छा इंग्लिश, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज भी और इंग्लिश लोग भी है, तो आपको सेंटेंस के अंदर देखना है कि लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है या फिर लोगों के बारे में, अगर लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है तो इसके साथ आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, ना ए ना एन ना द, कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे, लेकिन इनहैबिटेंट्स अगर लोगों के बारे में बात हो रही है तो आप द लगाओगे, द फ्रेंच द चाइनीज द इंडियन द स्पेन ईरानियन, ठीक है, इस तरीके से जो भी आएंगे पाकिस्तानी जो भी आएंगे उसके आगे आप दा लगा दोगे। अब आता है बिफोर नाउन, जैसे कि रिवर्स, किसी भी रिवर के बारे में बात कर रहे हो, अच्छा यहाँ पे पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी रिवर के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, अब जैसे गंगा के बारे में बात कर रहे हो द गंगा, समझ में आया, द गंगा द हिमालयाज और इस तरीके से माउंटेन्स द अंडमान द गीता द इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो, ठीक है, कोई भी हिस्टोरिकल मूवमेंट, कोई भी जगह चाइनी पानीपत दिल्ली, कोई भी ट्रेन का नाम राजधानी एक्सप्रेस टाइटन, शिप का नाम टाइटैनिक, कुछ भी इस तरीके से हो इंडियन ओशियन, आपको इनके आगे क्या लगा देना है द, आपको फ़िलहाल इतना ही करना है, ठीक है, और इसी को आपको रिवाइज़ करना है। थैंक यू सो मच।